Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about two NBFCs, ठीक है? और ये बहुत बड़े-बड़े NBFCs हैं, जो बहुत अच्छे रेट से ग्रो करने वाले अच्छे कंपनीज हैं, ठीक है? तो एक है बजाज फाइनेंस और दूसरा है आपका चोला फाइनेंस, ठीक है? तो हम कैसे काम करेंगे कि लाइक पहले हम बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे और फिर हम चोला पे जाते हैं, ठीक है? सो बजाज फाइनेंस का जो Q3 का नंबर्स है वो बहुत ही अच्छा है ना, बिकॉज इफ यू लुक एट देयर लोन बुक का ग्रोथ, इट्स आई थिंक देयर AUM ग्रो 35% ऑन अ YOY बेसिस. उनके अभी आई गेस 8 करोड़ के ऊपर कस्टमर बेस हो गया है, जिनको वो इतने सही से क्रॉस सेल कर रहे हैं, फिर इसके साथ भी नया नया कस्टमर्स ला रहे हैं, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका लोन बुक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है. लेकिन कुछ चीजें हैं बजाज फाइनेंस के कुछ कॉन कॉल में या समथिंग विच से फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि यहाँ पे डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है. तो सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे कि लाइक मैनेजमेंट ने ये बताया कि आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बढ़ने वाला है, ठीक है? ये उन्होंने PPT में ही बता दिया था. और अगर आप उनका रिजल्ट भी देखोगे, उनका प्रोविजंस वेंट अप 50% YOY, ठीक है? तो जिसका प्रोविजंस बढ़ जाता है, इफ योर प्रोविजंस आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन से AUM और सेल्स, तो क्या है, आपका मार्जिन्स थोड़ा इंपैक्टेड होगा. और वही हुआ बजाज फाइनेंस के साथ, क्योंकि उनका पैट का जो ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट ग्रू ओनली 20% YOY. नाउ जब कॉन कॉल में मैनेजमेंट को ये पूछा गया कि लाइक आप ये क्रेडिट कॉस्ट का जो ये प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो उन्होंने यही बोला कि रूरल B2C का जो उनका जो पोर्टफोलियो है वहां पे थोड़ा बहुत इनका प्रेशर है. हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि लाइक बहुत बड़ी एसेट क्वालिटी का इशू है. और यू नो, इफ यू नो राजीव जैन, यू विल नो कि लाइक राजीव जैन को जो भी प्रॉब्लम लगता है वो उसको कॉन कॉल में बता देता है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ छुपा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है बजाज फाइनेंस में. लेकिन अगर आप देखोगे कि कोई भी फिनेंशियल्स अगर आगे बोलता है ना कि लाइक आगे जाके हमारा क्रेडिट कॉस्ट और थोड़ा बढ़ेगा, या फिर आप ऐसे बात करोगे कि लाइक यू नो हमारे एलिवेटेड लोन लॉसेस होगा, राइट, तो वो मार्केट को अच्छा नहीं लगता है. और तो हम थोड़ा अभी बात करते हैं कि लाइक उनका भी एसेट क्वालिटी का सीन क्या है. तो उनका भी अभी का अगर आप ग्रॉस NPA नंबर देखोगे तो दैट इज स्टिल लेस देन 1%, और नेट NPA का नंबर देखोगे तो दैट्स आई थिंक 0.3-0.4%. सो ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट कि हमें देखना पड़ेगा ये रूरल B2C का बुक किस तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गई बात. दूसरी पॉइंट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लाइक अभी बजाज फाइनेंस के साथ RBI का कुछ छिक छिक चल रहा है, ठीक है? छिक छिक मतलब कि RBI ने क्या किया, बजाज फाइनेंस का जो दो डिजिटल लेंडिंग जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एक ई कॉमर्स का उनका एक लेंडिंग प्रोडक्ट है बिटवीन B2B, और दूसरा है अगर आप देखोगे एक और जो प्रोडक्ट है उनका, हाँ, उसका नाम है इंस्टा EMI कार्ड, ठीक है? तो RBI ने क्या किया, ये दोनों प्रोडक्ट्स पे अभी थोड़ा सैंक्शन लगा दिया. सैंक्शन का मतलब है इसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जो लोन दियो वो सही है, ठीक है, उसको आप रिकवर करो, सर्विसिंग करो एंड ऑल दैट, बट ये दोनों जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पे आप इंक्रीमेंटली और आप किसी को ये इंस्टा EMI कार्ड दे नहीं पाओगे अनलेस एंड अंटिल यू डू टू थिंग्स, ठीक है? तो RBI को ये लगता है कि बजाज फाइनेंस ने जो भी आज से फॉर एग्जांपल आज डिजिटल लेंडिंग पे तो बजाज फाइनेंस सॉरी मतलब RBI ने ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स रेस किया कि हमारे इकोनॉमी में ऐसे बहुत ऐसे फिनटेक्स है जो आके डिजिटली लेंड कर रहे हैं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड एंड दिस एंड दैट, और से जो 50-60 हज़ार रुपए के नीचे का जो टिकट साइज है वहां पे कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे कस्टमर्स क्या है, कहां से आ रहे, लोग लेंड कर रहे थे, ठीक है? सो RBI ने क्या किया, अभी आप देख रहे हो कि सारे फिनेंशियल्स को देख रहे हैं, और जैसे बजाज फाइनेंस का भी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों प्रोडक्ट्स में उन्होंने सैंक्शन लगाया, ठीक है? तो ऑफकोर्स ये भी मार्केट को अच्छा नहीं लगता है. अब ये क्यों सैंक्शन लगाया सोचिए. सो देर इज दिस कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं KFS, ठीक है, की फैक्ट स्टेटमेंट. मतलब क्या है, सोचिए कि अगर लेट से आपने बजाज फाइनेंस के ऐप में गया, ठीक है, और वहां से लेट से फॉर एग्जांपल आपने एक लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भेजता था. लेकिन आपको पता होगा, राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इतने छोटे छोटे मतलब ऐसे ऐसे अक्षरों में आते हैं और इतने हजारों पेजेस में आते हैं कि कोई पढ़ता ही नहीं है. इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर नॉलेज नहीं बढ़ता है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं बढ़ती है. मतलब क्या है, आप देखोगे ऐसे बहुत बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता था कि लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप जब लोन क्लोज करने गए तो तब एक कस्टमर को पता चलता है कि लाइक अरे यहाँ पे मुझे फोर क्लोजर के लिए पैसा देना पड़ेगा. या आप देखोगे बहुत ऐसे हिडन चार्जेस होता है जो लेट से एक बैंक या NBFC आपसे यू ले लेता है और पैसा काटने के बाद आप फिर बवाल करते हो, है ना, कि लाइक ये मेरा क्यों काट गया. तो RBI ने क्या किया, सारे फिनेंशियल्स को ये मैंडेटरी करवाया कि आप जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ठीक है, तो स्पेशली इफ यू आर सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स लेट से, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आप भेजोगे लेकिन उसके साथ आपको KFS वाला KFS भी चाहिए. KFS मतलब की फैक्चुअल स्टेटमेंट. KFS का मतलब है
करके सिंपल लैंग्वेज में, सरल एकदम भाषा में आपको समझाना पड़ेगा कि अगर आपने इस टेन्योर से इस टेन्योर में पैसा लिया और आपने अगर इतना पैसा लिया तो इतना परसेंटेज आपका, लेट्स से आपका रिटर्न होने, मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा, और आपका प्रोसेसिंग फी कितना होगा, अगर आपने जल्दी उस लोन को फोरक्लोज किया तो अगर कोई चार्जेस है तो वो हमें बताओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इन सिंपल लैंग्वेज. गॉट इट? तो इससे क्या होगा ना कि कस्टमर वो लोन लेने से पहले भी वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा. वरना क्या है, लोन लेने के टाइम लोग ले लेते हैं, है ना, बाद में जो लोग जाके फंस जाते हैं. करेक्ट? सो इट्स अ ब्रिलियंट मूव बाय द आरबीआई. अब बजाज फाइनेंस का कहना है कि उनका जो भी ये डिजिटल प्रोडक्ट्स है, नाउ एज आई टोल्ड यू राइट, उनका 7-8 करोड़ के ऊपर के कस्टमर बेस है. आप सोचो इसमें से कितने लाखों करोड़ों कस्टमर्स को उन्होंने डिजिटली लेंड किया अक्रॉस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कितने सारे प्रोडक्ट्स बेचे हो, राइट? अब सबके लिए ये KFS उनको बनाना पड़ेगा. करेक्ट? तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, बहुत बहुत मतलब उन्होंने यही बोला कि इन लेटर एंड इन स्पिरिट हमको बाई लॉ के अनुसार ही चलना पड़ेगा. और राजीव जैन ने क्लियरली बताया कि इसी वजह से तो ये दोनों जो प्रोडक्ट में अभी जो एम्बार्गो लगा है, तो उन्होंने यही बताया कि हम सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स में अपना KFS को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? और जब तक ये हम नहीं करेंगे, मतलब एंड ऑफ कोर्स द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट. आई थिंक ये नवंबर से चालू हुआ था, नवंबर 15th 20th के बाद से RBI आके बजाज फाइनेंस को बोला कि तुम्हारा की फैक्चुअल स्टेटमेंट्स कहाँ है फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स. गॉट इट? और राजीव जैन और बजाज फाइनेंस का भी पूरा मतलब उनका भी एनर्जी लगा दिया है सो दैट इनका जो सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स है उसके साथ ये KFS का डॉक्यूमेंट रहे अलॉन्ग with the contract. Got it? So which is a good sign. बट अगेन हैविंग सेड दैट, आप देखोगे ना जब कोई ऐसे KFS का बात करता है, कोई एम्बार्गो का बात करता है, फिर क्रेडिट लॉसेस एलिवेटेड होगा ऐसे बात करता है, तो उसका स्टॉक का कुछ होता नहीं है, राइट, इन द शॉर्ट टर्म. इसलिए आप देखोगे वो स्टॉक रिजल्ट के बाद से नीचे की तरफ आ गया एंड ऑल दैट, ऑल्दो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक रिटर्न्स एंड ऑल दैट, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ी सी मायूसी तो है कंपनी को लेके. बट अगेन इसके साथ एक और पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है. आप देखोगे ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ना क्या होता है ना, वो आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में शायद नहीं लिखा है. तो सोचिए अगर आपसे एक बिहार का एक बंदा है जो एक गाँव का है, अब उसको अगर एक इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट भेजोगे, जो बेचारा अगर कभी इंग्लिश स्कूल में गया ही नहीं, तो उसे कैसे समझ में आएगा. तो इसलिए आरबीआई ने ये भी बोला बजाज फाइनेंस और बाकी सारे फाइनेंशियल्स को के आपको 20-25 वर्नाकुलर लैंग्वेज का ऑप्शन रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन देना पड़ेगा. गॉट इट? सो मतलब दिस इज बेसिकली आरबीआई वे ऑफ लाइक टेलिंग द वर्ल्ड के लाइक के देखो, आज अगर आप डिजिटली लेंड भी कर रहे हो तो इंश्योर के कस्टमर को सही डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं और सिंपल लैंग्वेज में कस्टमर सब चीजें को समझ में आना चाहिए उसको. करेक्ट? और अगर नहीं है तो आप यू पैसा दे दिया और बाद में हिडन कॉस्ट ले लिया, प्रोसेसिंग फी ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, फिर क्या ही है ना? और इससे क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम भी बेटर होगा और यहाँ पे ग्रीवेंसेज भी कम होने का चांसेस ज्यादा है ना, बिकॉज आपको पता है कि आपका खर्चा कब कहाँ कितना होगा, कितना फीस देना पड़ेगा एज अ बोरोअर. करेक्ट? तो ये बनता है बजाज फाइनेंस का. दूसरे पॉइंट तो यह है कि अगर मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मुझे अभी देखना है कि अगले कॉन कॉल में Q4 में राजीव जैन क्या बोल रहे हैं, ठीक है? बिकॉज इस मोमेंट पे मुझे बजाज फाइनेंस का, ऑफकोर्स सारे बिजनेसेस को ही मैं ट्रैक करता हूँ, लेकिन Q4 में ऑफकोर्स आई वुड एक्सपेक्ट कि राजीव जैन आके ये बोले कि उनका ये KFS वाला जो सिचुएशन है सब कुछ हो गया और कस्टमर्स के पास, मतलब अल्टीमेटली देखिए अल्टीमेटली आरबीआई को बजाज फाइनेंस को जाके दिखाना है कि देखो हमारे सारे डॉक्यूमेंट आपके एज पर लेटर ऑफ लॉ मैंने करके दिखाया है. करेक्ट? जब ये हो जाएगा तब बहुत ही बढ़िया है, राइट? और दूसरा पॉइंट जो हमें ट्रैक करनी है कि जो है कि ये जो कंपनी ने बताया कि एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट एंड ऑल दैट आगे जाके होगा. बट हैविंग सेड दैट, अगर आपका GNPA नंबर इज लेस देन 1% आज भी, तो क्रेडिट कॉस्ट में उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट राजीव जैन का तो हैबिट ही है, राइट? जो भी है, मतलब ही इज अ ब्रिलियंट मैनेजर एंड सिंस उन्होंने ही बजाज फाइनेंस को आज बजाज फाइनेंस बनाया, राइट? सो ही हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम स्पीकिंग द ट्रूथ. कहीं भी छोटा सा भी प्रॉब्लम दिखता है ना तो एकदम कॉन कॉल में आके बता देता है, लाइक ही हैज नथिंग टू हाइड. सो दैट समथिंग दैट आई रियली एडमायर्ड अबाउट हिम जब से मैं उनका कॉन कॉल सुनता हूँ. सो ये बनता है बजाज फाइनेंस का. अब तो देखते हैं Q4 में क्या होता है. अभी हम बात करते हैं चोला फाइनेंस का. तो चोला फाइनेंस का अगर आप बुक देखोगे तो उनका 60% ऑफ द बुक आज भी वो ऑटो लेंडिंग में है, ठीक है? टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल भी उनका एक बड़ा सा सेगमेंट है, ठीक है? और बाकी का उनका जो 25-30% ऑफ द बुक है ना, मतलब 30 and 60, 90, ठीक है? तो वो जो 30% है वो होम लोन और लैप में है, ठीक है? बाकी कुछ रिटेल और कुछ 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 सेगमेंट्स है. तो अल्टीमेटली अगर आप चोला में पैसा डाल रहे हो तो आपको पता है कि ये दोनों सेगमेंट आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली द व्हीकल लोन का पोर्टफोलियो और
दूसरा है आपका 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 होम लोन एंड लैप का पोर्टफोलियो, ठीक है। अब अगर आप चोला का रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही अच्छा आया, ठीक है, वो भी बजाज फाइनेंस के तरह 33-34% से अपना AUM को ग्रो किया। लेकिन पॉइंट ये है कि हमको हमेशा ये देखना है कि आगे क्या होगा स्टॉक मार्केट में, करेक्ट, पीछे का नहीं, क्योंकि AUM का ग्रोथ नंबर एंड ऑल दैट वो तो पीछे वाला डेटा है ना, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का नंबर बोला, ओवर द प्रीवियस अक्टूबर टू दिसंबर ग्रोथ का बात किया। लेकिन कॉन्कॉल में मैनेजमेंट ने ये बोला कि गोइंग फॉरवर्ड उनका जो व्हीकल लोन का पोर्टफोलियो का पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज उनको भी अभी दिख रहा है कि लाइक कमर्शियल व्हीकल का जो स्पेस है, अगर आप कोई भी सीवी अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स का कोई भी सीवी वाला सेगमेंट पढ़ते हो तो आप देखोगे कि पिछले साल से इस साल में जो ये जो इतना हाई बेस के ऊपर इस साल कमर्शियल व्हीकल में उतना कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में उतना पेस ऑफ ग्रोथ नहीं था, उतना ग्रोथ नहीं था इन द एंटायर इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन अभी भी फिर भी आप देखोगे कि एंटायर व्हीकल फाइनेंस का सेगमेंट इन चोला ग्रू 18% YOY, ठीक है। अब क्यों हुआ ये 18% के तो आसपास भी सेक्टर ने ग्रो नहीं किया, राइट, ये इसीलिए कर पाया बिकॉज चोला बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है, आप देखोगे ये यूज्ड व्हीकल्स के ऊपर, ठीक है, बिकॉज यूज्ड व्हीकल्स में क्या होता है कि लाइक एक गाड़ी को 2-3-4 कस्टमर्स यूज करते हैं तो यू कैन एक्चुअली ऑन दैट सेम कोलैटरल यू कैन गिव आउट मल्टीपल लोन्स टू मल्टीपल पीपल। दूसरे साइड में क्या है, सिंस वो यूज्ड व्हीकल है उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू तो ऑफकोर्स डेप्रिसिएटेड वैल्यू थोड़ा कम ही होगा, करेक्ट, डेप्रिसिएशन हो चुका होगा, तो यहां पे भी यू कैन चार्ज अ हायर यील्ड ऑन अ डेप्रिसिएटेड से अ ट्रक देन से फॉर एग्जांपल अ न्यू ट्रक। एक और पॉइंट जो आपको देखना पड़ेगा वो है कि जो ये नया ट्रक्स आ रहा है वो सब BS6 का मॉडल में आ रहा है, राइट, और BS6 आने के बाद क्या हुआ, आपका इंजन का भाव बढ़ गया, ट्रक का प्राइस बढ़ गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो मेनी पीपल कांट अफोर्ड दैट न्यू ट्रक, या फिर अगर आप लोन ले रहे तो आपको EMI ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो भी यूज्ड व्हीकल्स का सहायता ले रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो चोला का कहना है कि लाइक ये जो सेक्शन है आगे जाके, अब ये ध्यान से सुनिए, कॉन कॉल में उन्होंने क्लियरली बताया कि गोइंग फॉरवर्ड द पेस ऑफ ग्रोथ इन द व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट कैन कम डाउन, ठीक है, मतलब अभी जो 18% का YOY का ग्रोथ है आगे जाके 18 से थोड़ा कम हो सकता है, और मैनेजमेंट ने कोई नंबर नहीं दिया, ठीक है, मैनेजमेंट ने ये बोला वी विल कीप ग्रोइंग द व्हीकल फाइनेंस बुक बिटवीन 10-20%, विच इज क्वाइट अ बिग स्पेक्ट्रम, ठीक है, और ऑफकोर्स मैं यहाँ पे कोई एस्टिमेशन नहीं लगा सकता हूँ कि 15 करेगा या 13 करेगा, आई डोंट नो दैट, आई हैव टू ट्रैक एंड सी, बट हैविंग सेड दैट अगर आपका 60% ऑफ द बुक जो आपका व्हीकल फाइनेंस बुक है अगर उसका पेस ऑफ ग्रोथ घटता है तो ऑफकोर्स आगे जाके AUM का जो टोटल ग्रोथ था मतलब 34-35% का जो ग्रोथ है उसका शायद पेस घट सकता है, ठीक है, तो वो एक सिचुएशन है। ऑफ कोर्स यहां पे अगर आप देखोगे कि ऐसे सिचुएशन में स्टॉक ऊपर जाना थोड़ा कम, मतलब अगर ऊपर जाता भी है बिकॉज मार्केट में जब कोई कंपनी का मैनेजमेंट ऐसे गाइडेंस देता है कि हम पेस ऑफ ग्रोथ घटा देंगे एंड ऑल दैट तो मार्केट को उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ऑल्दो चोला बहुत ही अच्छी कंपनी है, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं दूसरे एंगल से बात करूं उनका जो होम लोन एंड लैप है ना, अब वो यहां पे बहुत ही फोकस कर रहा है, दैट इज 30% ऑफ देयर बुक, राइट, जैसे मैंने बताया, राइट, 30% ऑफ द लोन बुक, और ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, टायर 2 टायर 3 सिटी में जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया में चोला का उतना कभी प्रेजेंस नहीं था, तो अभी ईस्ट इंडिया में अभी वो आ गया है और उनको लगता है कि लाइक ये वाला स्पेस विल ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द व्हीकल फाइनेंस स्पेस इन द कमिंग क्वार्टर्स, राइट, मतलब इनका प्रोडक्ट मिक्स भी थोड़ा करके चेंज हो सकता है कि व्हीकल फाइनेंस लेट्स से अभी 60-50 हो गया और लेट्स से आपका होम लोन लैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ कैन गो फ्रॉम 30-35-40% एज वेल, राइट, और यहां पे टायर 2-3 सिटी में टारगेट कर रहे हैं, मतलब ये अफोर्डेबल सेगमेंट में टारगेट कर रहे हैं और अफोर्डेबल सेगमेंट में आपका यील्ड तो हाई होता है, तो एक तरफ आप देखोगे चोला का निम्स में प्रेशर नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज एक तरफ वो तो यूज्ड व्हीकल्स में मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं व्हीकल फाइनेंस, तो वहां पे आपका यील्ड ज्यादा है, और यहां पे अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस कर रहे हो तो वहां भी आप देखोगे कि वहां भी आपको यील्ड ज्यादा मिलता है देन लेट्स से आप कोई प्रीमियम हाउसिंग और प्रीमियम कस्टमर को अगर पैसा देते हो तो, गॉट इट, तो ये बनता है चोला में और तो कुछ है नहीं। जब मैनेजमेंट को पूछा गया गाइडेंस के बारे में तो उन्होंने कोई गाइडेंस दिया नहीं, ठीक है, और एक बात है जो मैनेजमेंट ने डिस्कस किया यहां पे, लाइक अगर आप देखोगे RBI का जो RBI ने सारे बैंक्स को बोला कि NBFCs को पैसा देने से पहले रिस्क वेट्स बढ़ा हुआ एंड ऑल दैट, लेकिन चोला ने बोला कि हमारे साथ कोई बैंक्स का कोई यहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बैंक्स आर ऑलवेज विलिंग टू लेंड टू अस, राइट, बिकॉज चोला इज अ ग्रेट NBFC, अगर आप वैसे देखोगे तो इट्स अ ग्रेट NBFC विद अ ग्रेट रेपुटेशन, आज भी कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छा है, तो लेकिन चोला फिर भी ये बताए कि लाइक सिंस अभी ये प्रॉब्लम चालू हुआ है, RBI बैंक्स को बोल रहे रिस्क वेट्स बढ़ा हुआ एंड ऑल दैट, तो इससे क्या होगा सिस्टम में ही लिक्विडिटी का क्रंच आने लगता है ना, तो चोला ने ये बोला कि लाइक सिर्फ बैंक्स के ऊपर नहीं हम लोग दूसरे सोर्सेस से भी पैसा उठाने का सोच रहे हैं, राइट, सो ऑन दैट नोट दैट्स इट, चोला हो गया, बजाज फाइनेंस हो गई, तो आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, थैंक यू।